अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा। इसके लिए हमने 1 किलो लौकी लिया है, इसको हमने छील लिया है और अब हम इसको ग्रेट करेंगे ग्रेटर से। इसका हम वाइट पार्ट नहीं लेंगे, सिर्फ ग्रीन पार्ट लेंगे, क्योंकि वाइट पार्ट अगर लेंगे तो हलवा इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो चलिए इसको ग्रेट कर लेते हैं। ग्रेट करने के बाद ये थोड़ा सा होगा, हमें थोड़ा ही बनाना है इसलिए हमने 1 किलो लिया है। आपको जितना बनाना हो उसी हिसाब से लौकी को लीजिए। लौकी को हमने ग्रेट कर लिया है, ये देखिए थोड़ा सा हुआ है। ग्रेट करने के बाद ये मुश्किल से 200-250 ग्राम होगा। और हमने लिया है नारियल का बुरादा, थोड़ा सा कटा हुआ बादाम, थोड़ा सा काजू और मावा लिया है, ये हमारा होममेड मावा है। और हमने घी लिया है, 2 चम्मच घी डालेंगे। अगर घी नहीं है तो आप रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। शक्कर हम 100 ग्राम लेंगे, आप जितना मीठा खाना पसंद करें उसी हिसाब से शक्कर लें। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन को गरम करेंगे और उसमें डालेंगे घी 2 टेबल स्पून। घी को थोड़ा सा गरम करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे इलायची। हम यहाँ 3 इलायची डाल रहे हैं तोड़ के, और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे इलायची को। अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, पाउडर हमें पसंद नहीं है इसलिए पाउडर नहीं डाल रहे हैं। और अब हम डाल देंगे इसमें ग्रेट किया हुआ लौकी और इसको हम भूनेंगे। लौकी को हमें अच्छे से भूनना है। लौकी को थोड़ा सा ढक देंगे ताकि ये गल जाए, क्योंकि हम इसे दूध में नहीं पका रहे हैं इसलिए हमें ढकना ज़रूरी है। थोड़ा सा भूनने के बाद फिर हम इसे ढक देंगे। लौकी को हमने अच्छे से भून लिया है और थोड़ा सा गल भी गया है। अब हम इसमें डाल देंगे शक्कर। मीठा जितना आप खाना पसंद करें उसी हिसाब से शक्कर डालिए। और फिर हम शक्कर को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे फिर से थोड़ी देर के लिए। अब देखिए शक्कर भी अच्छे से मेल्ट हो गया है और पूरी तरह लौकी गल चुकी है अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे मावा, ये मावा हमारा होममेड मावा है। मावे को हम डायरेक्ट लौकी में डाल रहे हैं क्योंकि हमें ऐसे ही पसंद है। अगर आप चाहें तो इसको अलग से बर्तन में मेल्ट कर लें अच्छे से, बिल्कुल फाइन सा, फिर डालें लौकी में। मावे को हम अच्छे से लौकी में मिला देंगे और फिर से हम थोड़ी देर के लिए इसे ढक देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए। अब ये देखिए हलवा अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें हम मेवा डाल देंगे, जो कटा हुआ हमारा मेवा रखा हुआ था। आप जो मेवा पसंद करें वही डालिए। हलवे में हम मेवे को अच्छे से मिलाकर फिर से हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे। हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम डाल देंगे नारियल का बुरादा और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। गाइस, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। खुदा हाफिज़।